हेलो फ्रेंड्स, द रेवस गैलरी में आपका स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस का नाम महान क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्तों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी कर्मठता और सबको साथ लेकर चलने की कौशल के कारण उन्हें नेताजी की उपाधि प्राप्त है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी दास बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथे स्थान पर उत्तीर्ण होने के बावजूद नौकरी छोड़ दी और भारत को स्वतंत्रता दिलाने की लड़ाई में जुट गए। उनके पूर्ण स्वराज और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि नारों ने हर युवा हर भारतीय के मन में आजादी का अलख जगाया। उन्होंने जापान में आजाद हिंद फौज और महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा देकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। उनका दिया जय हिंद का नारा आज हमारा राष्ट्रीय नारा है। 8 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले हम सभी के प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस को उनके 125वें जन्मदिवस पर शत-शत नमन। यह देश उनके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।